बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप्स आर ओरल सॉल्यूशंस डेफिनेशंस। आज हम इस लेक्चर में सिरप की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। सिरप्स को आप ओरल सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म है आपकी। सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म क्या होती है? ये इट इज़ अ क्लियर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स विच इज़ होमोजीनियस एंड क्लियर। ठीक है, सोल्यूशन के हम क्या डेफिनेशन करते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जो कि क्लियर होता है और होमोजीनियस होता है। इनके दोनों सब्सटेंसेस की जो कंसनट्रेशन होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है तमाम प्रिपरेशन में। तो सोल्यूशंस जो हैं ओरल सोल्यूशंस में, एग्जाम्पल आपकी सीरप की है और आज हम सीरप की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। डेफिनेशन की तरफ अगर आप आएँ तो डेफिनेशन इसकी क्या, सीरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स इन वाटर आर एनी अदर सूटेबल व्हीकल विद आर विदाउट एडिड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ठीक है, सीरप्स की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बहुत डिटेल से अभी समझाने की ट्राई करती हूँ। सीरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। सीरप जो है मीठे विस्कस कंसिस्टेंट विस्कोसिटी वाले गाढ़े जो हैं। कंसनट्रेटेड मीन कि इनके में 85% तक क्योंकि शुगर होती है तो इसको कंसनट्रेटेड कह रहे हैं। और एक्वस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर आपके पास सॉल्वेंट जो है वो वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन। तो सीरप्स जो है स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है किसके, शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट, शुगर में आपके पास जो है वो सक्रोज टेबल शुगर है, आम चीनी जो गन्ने से निकलने वाली, शुगर कैन से निकलने वाली चीनी है, इसको आप शुगर कह रहे हैं। या आप कहीं कहीं सीरप में सुक्रोज की जगह, टेबल शुगर की जगह, आम चीनी की जगह शुगर सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं सिरप की मैन्युफैक्चरिंग में। शुगर सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं? शुगर सब्स्टिट्यूट्स चीनी के मुतबादल हैं, ऐसी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं लेकिन सुक्रोज नहीं है, उनको आप शुगर सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। या ऐसी चीज़ें जो कि कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है लेकिन वो स्वीटनिंग देंगे आपके सिरप को, उनको भी आप शुगर सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी आप शुगर सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ करते हो। तो सुक्रोज या शुगर आम टेबल शुगर है और शुगर सब्स्टिट्यूट में आपके पास सॉर्बिटॉल, ग्लाइसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जैसे मटेरियल भी हो सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन आप सुक्रोज नहीं हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह भी होंगे। इसके अलावा आपके पास माइक्रो क्रिस्टलाइन, सेलुलोज वगैरह मटेरियल, ये सारे शुगर सब्स्टिट्यूट में आते हैं। और नॉन शुगर कंपोनेंट्स जो कि आप डायबिटिक पेशेंट्स के सिरप बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो आपके शुगर सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, तो अब दीज आर द सिरप्स की हम डेफिनेशन करते हैं। सिरप्स आर स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट इन वाटर। इनके सिरप के अंदर आपके पास दो ही मेन कंपोनेंट है, एक वाटर होगा और उसके बाद आप शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे। और ये जो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे ये स्वीट होंगे, मीठे होंगे, विस्कस होंगे, कंसनट्रेटेड होंगे और एक्वस सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि वाटर इनका जो व्हीकल है वो वाटर है। ठीक है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट और व्हीकल यूज़ हो रहा है तो इसलिए इन्हें एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आएँ कि आर एनी अदर सूटेबल व्हीकल, लाजमी नहीं है कि वाटर हो, वाटर के अलावा व्हीकल भी होते हैं लेकिन मोस्टली सिरप में आपके पास व्हीकल जो है सॉल्वेंट वो वाटर होगा। ठीक है, विद आर विदाउट एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स आर मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, एक तो सिरप स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट के, इनका व्हीकल वाटर भी हो सकता है या कोई और व्हीकल भी हो सकता है। और थर्ड पार्ट जो डेफिनेशन का, विद आर विदाउट एडिड
फ्लेवरिंग एजेंट्स का क्या मतलब है कि आपके सिरप के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट, जायका जो टेस्ट इन्हांसर होते हैं, जायका देने वाली एजेंट्स, वो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। विद आर विदाउट का ये मतलब है कि कुछ सिरप आपके फ्लेवर्ड सिरप होंगे और कुछ अनफ्लेवर्ड सिरप होंगे जिनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है। एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, इसी तरह फ्लेवरिंग एजेंट्स और मेडिसिनल सब्सटेंसेस यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है सिरप में, वो तमाम सिरप्स में लाजमी नहीं है कि हो। कुछ सिरप्स में फ्लेवरिंग एजेंट्स होंगे और कुछ में नहीं होंगे। इसी तरह मेडिसिनल सब्सटेंसेस एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ सिरप्स में होंगे और कुछ में नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ सिरप्स, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्लियर आपको हो गई होगी कि सिरप मीठे, गाढ़े, आदि जो है आपके पास सॉल्यूशन है चीनी या चीनी के मुतबादिल के पानी के अंदर, ठीक है, या किसी और मुनासिब वहीकल के अंदर, और इनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट हो भी सकता है जिनको फ्लेवर्ड सिरप कहेंगे, और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट भी होंगे अनफ्लेवर्ड सिरप जो होते हैं आपके पास। एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस यानी मेडिकेटेड सिरप भी हो सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जिन ऐसे सिरप्स जिनके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंसेस या एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होगा और वो थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, उनको नॉन मेडिकेटेड सिरप भी कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन थी।